हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप सबको लेके चलता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, और इसका एक वॉक अराउंड देता हूँ और आपको अच्छे से घुमाता हूँ, सारी चीज़ों को बताता हूँ कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे बाउंसर्स दिख जाएंगे जो यहाँ पे खड़े रहते हैं हमारे सिक्योरिटी के लिए। तो बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं देते हैं। वैसे मैं एक बार एंटर कर चुका हूँ, इसलिए हमसे नहीं लेंगे ये आईडी कार्ड। बेसिकली आप यहाँ से एंटर करते हो मेरे पीछे से एक नंबर गेट से, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये फैकल्टी का कार पार्किंग है और स्टूडेंट्स का कार पार्किंग हो गेट नंबर 4 के साइड के पास। आते आते आपको दिखेगा यहाँ पे सरस्वती माता का मूर्ति है जहाँ पे हम लोग प्रे करते हैं, और उसके बाद यहाँ से होके फिर हम ए ब्लॉक के अंदर जाते हैं। के अंदर जाने से पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये एक नया ब्लॉक बन रहा है। तो ये मे बी 2024 और 25 में ओपन हो जाएगा हम सब स्टूडेंट्स के लिए। तो अब चलते हैं ए ब्लॉक में, एंट्री करते हैं और दिखा। ए ब्लॉक में एंट्री करते हैं, यहाँ पे गार्ड है। ए ब्लॉक में एंट्री करते ही हमें ये दिख जाएगा राइट साइड पे, ये अकाउंट ऑफिस है और इस साइड से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये 001 है, 002 है। तो और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। हल्का सा आगे बढ़ते ही हमें ये लेफ्ट साइड में साइलेंस जोन जो कि लाइब्रेरी है वो दिख जाए। लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको सारे ही बुक्स मिल जाएंगे अवेलेबल। देख, जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे पीछे एक दिख रहा होगा ये सेक्शन जो पूरा वॉल बना हुआ है, जितने भी गलगोटियाज के अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए आपको आपके पास आईडी कार्ड होना बहुत ही कंपलसरी है, और यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड टच करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा। मैं रीडिंग हॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेक इन। अच्छा, ऑडियो चूँकि ये लाइब्रेरी है तो मैं ज़्यादा जोर से यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, आपको बस दिखा सकता हूँ। मतलब ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं बुक्स लेके और पढ़ते हैं। अभी बुक ढूंढना है तो बहुत इजी टू सर्च हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हर रूप के पास एक पेपर लगाया हुआ है, इस पर आप पढ़ सकते हैं कौन सा बुक है कौन सा बुक नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो देख सकते हैं आप, अंदर आएंगे तो देख सकते हैं रो में कितने अच्छे से सारे बुक्स को लगा के रखे हुए हैं। तो और भी, चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ बी ब्लॉक। चेक इन किया था, वैसे ही चेकआउट कर लेंगे यहाँ पे, जाते आई डी कार्ड लगाऊंगा यहाँ पे चेकआउट। ब्लॉक से बी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ही हमें इस साइड लेफ्ट साइड में दिख जाता है हमारा कैफेटेरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं हमें खाने पीने। कैफेटेरिया ही पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं बी ब्लॉक में। हमारे कैफेटेरिया की ये कि ये पूरा कैशलेस है और यहाँ पे कैश कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपको कुछ भी खाना है तो यहाँ पे आपको कार्ड बनाना पड़ेगा और आप पेमेंट ऑनलाइन करके और ये ऐसा कार्ड बना सकते हैं जो कि है फूड काउंटर वाला, मेरे पास है एक। हम बी ब्लॉक में एंटर करते हैं। एंटर कर रहा हूँ अभी बी ब्लॉक में, तो आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे ये जो एप्पल का पूरा लैब नया वाला बना हुआ है यूनिवर्सिटी में हमारे, बहुत खूबसूरत है। नए एडवांस टेक्नोलॉजी हमारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे बेसिकली आपको मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और मेडिकल की कोर्सेज वगैरह की यहाँ पे पढ़ाई होता है। आगे आता हूँ तो लेफ्ट साइड में मेरे एडमिशन सेल है, जहाँ पे जो भी बच्चा सबसे पहले एडमिशन लेता है वहीं आता है इस साइड पे। आपको ले जाके दिखाता हूँ एडमिशन सेल हमारे यूनिवर्सिटी का, जहाँ जब मैं भी सबसे पहले एडमिशन हुआ था तो मैं भी यहीं आया था सबसे पहले अपने आईडी कार्ड के लिए।
तो यहाँ पे अभी न्यूली जितने एडमिशन्स हैं तो यहाँ पे एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे हमारे फैकल्टीज़ हैं बैठे हुए हैं, सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कॉलेज के बारे में। ये बेसिकली जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पे 3D में बना के रखा हुआ है आर्किटेक्ट डिज़ाइन उसका। यहाँ पे बी ब्लॉक में एडमिशन ऑन है, आपको अगर एडमिशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए मैं दूसरा ब्लॉग बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिख रहा है आपको बी ब्लॉक में, यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। जितने भी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला बस है जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। आपको बी ब्लॉक दिखा दिया है, अब चलते हैं सी ब्लॉक की तरफ। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये इंजीनियरिंग ब्लॉक बेसिकली। एंटर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सी ब्लॉक के सामने जो ये ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सर्ट होता है, लाइव कॉन्सर्ट या फिर कोई भी बेसिकली इवेंट होता है बड़ा, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस कितनी आ रही है तो यहीं पे होता है ऑर्गेनाइज। वो देख सकते हैं आप पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है। ब्लॉक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सी ब्लॉक की खूबसूरती, देख सकते हैं आप। ब्लॉक दिखा दिया है, अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ। बॉयज हॉस्टल में आपको दिखाता हूँ और मेस भी दिखाने का कोशिश करूंगा पूरा आपको, तो चलते हैं फिर हॉस्टल की तरफ। आप देख सकते हैं ये हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, लेकिन कभी कभी जो क्लब है हमारे स्टूडेंट काउंसिल का, तो यहाँ पे ऑडिशन वगैरह भी होता है बहुत सारे चीज़ों का, डांस का, सिंगिंग का, एक्टिंग का, मॉडलिंग का। हॉस्टल के 7th फ्लोर पे, तो यहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता, तो मैं आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ आपको यूनिवर्सिटी का, कितनी खूबसूरत है हमारी यूनिवर्सिटी। हॉस्टल, अब हम मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ हॉस्टल का मेस कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेस का टाइमिंग है, आपको 4 times का यहाँ पे आपको मील मिलता है। मील का टाइम नहीं है तो आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, कितना हाइजीनिक और कितना नीट एंड क्लीन है मेस हमारे हॉस्टल का, आप देख सकते हो। अभी मिस का टाइम नहीं है मील का, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाया, वो आपको कभी फिर अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।